हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पी डी स्ट्री 06। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक नया एक्सेस स्टार्ट किए थे, एक्सेस 2.2। एक्सेस 2.2 का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में आपका नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो सम कुछ क्वेश्चन हैं हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ऑलरेडी बोर्ड में मिल चुका है। इज 168 ए मल्टीपल ऑफ 14? क्या 168 14 का एक मल्टीपल है कि नहीं, तो हम लोग को फाइंड इट करना है। तो अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर मल्टीपल होता है, तो जैसे मान लीजिए 168 ये 14 का मल्टीपल है, तो मतलब 14 क्या है, इसका फैक्टर है। तो अगर ये 14 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो फिर ये इसका 14 का ही एक मल्टीपल होगा। ठीक है ना, देखते हैं चलिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइड करेंगे 14 डिवाइड बाय 168। तो 14 वन से कितना होता है, 14 होता है, तो ये 2 हो गया एंड देन रिमेनिंग 28 हो गया। 14 टू 28, तो देखिए ये कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है, तो फिर मतलब 14 जो है ये 168 का एक फैक्टर है, और 168 क्या है, 14 का ही एक मल्टीपल है। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा यस, 168 इज ए मल्टीपल ऑफ 14, दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को बोर्ड में ऑलरेडी मिल चुका है। क्या क्वेश्चन है बोर्ड में, राइट द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 13, मतलब सेवेंथ नंबर में 13 का जो मल्टीपल होता है, या फिर आप लोग कैसे समझ सकते हैं 13 का टेबल में सेवेंथ नंबर जो आता है वो उसका आंसर निकला पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल इजी ट्रिक है, कुछ इसमें फॉर्मूला नहीं है। आप लोग जस्ट 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 7 से 21 1 2 का 7 7 9, तो 91 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 13, इसका आंसर होगा 91। एक लाइनर आंसर है, आप लोग इजी से कर लेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है बोर्ड में। क्या है, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 80 एंड 98। सो 80 और 98 के बीच में जितना मल्टीपल्स हम लोग नंबर मिल रहा है उसमें 6 का जो जो मल्टीपल है उसको हम लोग लिखना पड़ेगा। कितना मल्टीपल लिखना पड़ेगा, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर वर्ड लिख के स्टार्ट करेंगे हम लोग। 80, अगर 80 से बिटवीन बोला गया है तो हम लोग 80 से नहीं, 80 को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, 80 के बाद जो नंबर आएगा उससे हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब 81, 82, 83, 84 करते हुए 85, 86 ऐसे करके नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट देखेंगे 81, 6 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 82 डिवाइड होगा, आप लोग उसको डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड करके अगर आएगा तो वो उसका मल्टीपल होगा, जैसे अगर नहीं आएगा तो वो मल्टीपल नहीं होगा। 82 भी नहीं होगा, 83 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 माइनस 6 करने पर 2 और 3 23, सो 6 के टेबल में 23 नहीं होता है। 84 आई होप दैट ये हो सकता है, तो 84 को अगर चेक करेंगे 6 से 6 वन जो 6 2 24 6 4 जो 24, देखिए अभी कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है 84 6 से, तो ये से 84 है, ये है 6 का ही एक मल्टीपल, और ये जो है 80 और 98 के बीच में आ रहा है, तो फर्स्ट लिखेंगे तो 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 80 एंड 98 आर, तो फर्स्ट क्या मिला हम लोग को, फर्स्ट हम लोग को मिला 84, ये जो है इसका एक मल्टीपल है। अभी इसका डिफरेंस करिए 6 का, क्योंकि अगर 6 इसका एक मल्टीपल है तो इसके बाद फिर से 6 डिजिट के बाद जो नंबर आएगा वो भी उसका मल्टीपल होगा। तो अगर 84 को अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90, वो भी 90 जो है 6 से डिविजिबल होगा। ओके 90 क्या हो रहा है, 98 के बीच में आ रहा है, उसके बाद 90 के साथ और भी 6 ऐड कीजिए 96, वो भी क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा, तो वो भी एक इसका मल्टीपल होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84, 90
एंड 96. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है? वेदर फाइंड वेदर 18 इज ए फैक्टर ऑफ 234 और नॉट. तो कोई भी नंबर किसी का फैक्टर होता है तो वो जो बड़ा नंबर होता है उस स्मॉल नंबर से डिविजिबल होना चाहिए. तो अगर फैक्टर है तो ये 18 से डिविजिबल होगा कि नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं. 234 18 से डिवाइड करते हैं. 18 वन से 18, 18 टू से 36 ज़्यादा हो रहा है तो 1 से देंगे 18. तो 13 से 8 माइनस करने पर कितना होगा? 5 54. 18 का टेबल में 54 आता है, यस आता है. 3 से 54 तो मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया. तो ऑब्वियसली 18 क्या होगा? 234 का एक फैक्टर होगा. तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे? यस 18 इज ए फैक्टर ऑफ 234. बहुत ही इजी क्वेश्चन से, ज्यादा कुछ बड़ा प्रोसेस नहीं है. सिंपल आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा. अगर वो डिवाइडेबल होगा तो वो फैक्टर होगा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो फैक्टर नहीं होगा. सिंपल, ठीक है ना? आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके. ओके नाउ स्टूडेंट्स, सेवन नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड में ऑलरेडी मिल चुका है. क्या लिखा हुआ है? राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 70 एंड 96. तो 70 और 96 के बीच में, मतलब बिटवीन बोला गया है, इसके बीच में जितना भी ऑड नंबर सब है, ठीक है ना, जितना भी लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जो है उसका 1, 3, 5, 7, 9 ये सब है, हम लोग उस नंबर सबको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर वर्ड लिख के स्टार्ट करेंगे. तो ऑड नंबर्स बिटवीन 70 एंड 96 आर, स्टार्टिंग करेंगे 71 से, देन 2D होगा 3, 5, 77, 79, अभी 80 नहीं होगा, फिर से 81 आ जाएगा, 83, 85, 87, 89, देन 91 हो जाएगा, 91, 93, 95. देखिए 95 हम लोग को बिटवीन बोला था 96, तो लास्ट हम लोग 95 तक जाएंगे, ठीक है ना? इतना ही तक ही उसका आंसर आएगा, 71 से 95 तक, ठीक है? ये हो गया सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर. एट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है? राइट एनी फाइव इवन नंबर्स ग्रेटर देन 5492. मतलब 5492 से बड़ा पांच ग्रेटर नंबर, इवन नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो स्टार्टिंग आंसर वर्ड से करेंगे. क्या क्या होगा लिख लेंगे. फर्स्ट द ग्रेटर नंबर अच्छा सॉरी यहां पर वर्ड यूज करेंगे. स्टार्टिंग हम लोग क्या करेंगे? आंसर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे द फाइव इवन नंबर ग्रेटर देन 5492 आर. क्या क्या होगा? जैसे यहां पर 5492 के बाद बोला गया है तो ये जो लास्ट डिजिट है सब यूनिट डिजिट हम लोग को इवेन नंबर में बोलना पड़ेगा. तो 5494 हो जाएगा, अभी 5496 हो जाएगा, 5496 के बाद इवेन नंबर क्या होगा? 98 हो जाएगा. ओके 98 के बाद 50 मतलब 100 होता है तब कि 5500 हो जाएगा, इवन नंबर हो गया. 1, 2, 3, 4 नेक्स्ट 5502 हो गया, ठीक है? ये फर्स्ट फाइव इवन नंबर है 5492 के बाद, ठीक है? ओके नेक्स्ट नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 100. मतलब 50 और 100 के बीच में कितने इवन नंबर है वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसका इजी ट्रिक क्या है? 100 से 50 को माइनस कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. सिंपल ट्रिक है ये, 100 से 50 को माइनस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपको इवन नंबर आ जाएगा. इसका आंसर आएगा 25, ठीक है? अभी हम लोग इसको आंसर को जनरली हम लोग फॉलो करेंगे कि ये 25 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो ये 50 का बात बोला ना, 50 टू 100 के बीच में, मतलब इसका आंसर हम लोग 25 लिख रहे हैं ऑलरेडी. यहाँ पर देखिए 50 टू 100 के बीच में, तो 50 टू 100 के बीच में हम लोग को नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो 50 का बात कौन आता है? 52 होता है,
देन 54 आएगा, 56 आएगा, 58 आएगा, ठीक है 58 आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, मतलब 52-60 के बीच में कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसी तरह से 61 से लेके 70 तक कितना होगा, वो भी 5 आएगा। 70-80 के बीच में कितना और भी आएगा, वो भी 5 आएगा। नेक्स्ट देन 70-80 के बीच में कितना आएगा, 5 आएगा। 80-90 के बीच में कितना आएगा, देन 5। 90-100 के बीच में भी 5 आएगा। तो यहाँ पर कितना बार 5 हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर एक बार 5 कम होगा, मैंने 70-80 दो बार बोल गया। तो यहाँ पर काउंट कीजिए, अगर मैं इसको 5 पकड़ लेता हूँ, 1, 5, 5, 10, 15, 20, 25, मतलब 25 इसका आंसर होगा, ठीक है। 25 इवन नंबर होगा 50 और 100 के बीच में। अगर आपको ये कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप इसको कॉपी में लिख कीजिए इवन नंबर सबको, एंड देन उसको काउंट कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर कितना हो रहा है। और जनरल अगर आप फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, सिंपली आप जो लास्ट बिगेस्ट डिजिट है उससे आपको स्मॉल डिजिट को डिवाइड कीजिए, माइनस कीजिए, उसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जितना ही उसका बीच में, जैसे यहाँ पर 50-100 के बीच में अगर मैं बोलूँ कितना आपको इवन नंबर आया, इसका आंसर आएगा 25। ऑड नंबर कितना होगा, वो भी 25 ही होगा, ठीक है। जितना इवन होता है उतना ही ऑड होगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट आप लोगों को क्वेश्चन को आंसर सॉल्यूशन कैसे निकलना पड़ेगा आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग को फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको तो फिर कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ऐसे बनी रही है हमारे साथ, टिल देन स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।